नमस्कार भाइयों, आज बहुत दिनों के बाद आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों मेरा टारगेट है कि 1,00,000 रुपये से कैसे बिजनेस को रन करें, कैसे बिजनेस को स्टार्टअप करें और कौन सा बिजनेस हम स्टार्टअप करें, कौन से बिजनेस में हमारा को अच्छा रिच मिल सकता है, अच्छा पैसा मिल सकता है, पैसा अच्छा ग्रोथ हो सकता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। मेरे कुछ साथी लोग हैं जो इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उनके हिसाब से मैं आपको गाइड करने वाला हूँ आपको कि बहुत से लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं। 1,00,000 रुपये में बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। पहला दोस्तों कि आपको कहना चाहूँगा, कोई भी बिजनेस हो, स्टार्टअप कर रहे हो आप, तो अपने आप पर भरोसा होना ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जो मत कर भाई फेल हो जाएगा, मत कर यार वो मत कर। आपके परिवार वाले हो या अपने वाइफ हो या अपने भाई हो या अपने बहन हो, सभी चीज़ें और सभी लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपके परिवार वाले, अपने फैमिली वाले आपको सपोर्ट करें, लेकिन वो एक लास्ट स्टेप पे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो भी डिसीजन लेना है आपको अपने दम पे लेना है, अपने विश्वास है आप पर तभी आपको लेना है। अदरवाइज आप मत कूदना इन बिजनेस में, क्योंकि आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। हमेशा अपने अंदर की आत्मा से सोचना कि भाई मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, अच्छा कामयाब हो सकता हूँ, तो ही ये बिजनेस स्टार्टअप करना। दोस्तों ये बिजनेस ऐसे हैं कि आपको 1,00,000 रुपये में एक ऐसा बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा जिससे आप चाहो तो 10,00,000 भी कमा सकते हो और उससे ऊपर भी कमा सकते हो। ये बिजनेस ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छी रिच है, बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, बहुत अच्छा कामयाब हो सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बड़ा जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल स्टार्टअप कर सकते हैं। ये बिजनेस कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। पहला बिजनेस है, आप यदि थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो 10वीं 12वीं, तो आप प्रॉपर्टी के मामले में घुस जाओ। प्रॉपर्टी सेलिंग करना है, प्रॉपर्टी लेना है, खरीदना है, सेलिंग करना है। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट जो अपना खुद बड़े बड़े जो ले लो उसके बाद में 1,00,000 रुपये का जो आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपके पास कम बजट है तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे डीलर के साथ में कॉन्टैक्ट हो, ऐसे डीलर के साथ में जुड़ो जहाँ से आपको कहीं ना कहीं जो कॉन्टैक्ट हो सकते हैं लोग और आपको सेलिंग दिला सकते हैं। आप नॉर्मली किसी भी डीलर के साथ में जुड़ोगे कि भाई साहब मैं आपकी जो सेलिंग करवाऊंगा तो मेरे को थोड़ा सा कमीशन दे देगा, चाहे वो 1,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। उसके माध्यम से भी आपका ये धंधा चलने लग जाएगा। जब इसमें आपको 6 महीने 2 साल हो जाएंगे तो अच्छा आपको ऑर्डर मिलने लगेंगे, अपने खुद के दम पे ही आप प्रॉपर्टी सेलिंग करना चालू कर सकते हैं। तो ये बिजनेस ऐसे आपका रन करेगा। दूसरा जो बिजनेस है दोस्तों, हमारा जो सेकेंड हैंड बाइक होगी, सेकेंड हैंड कारें होगी, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं, उनको वहाँ से खरीदना और जो पार्टी को सेलिंग करवाना। आपको इस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी डीलर के साथ में जुड़ जाना, किसी भी जो ऐसे सीलर के साथ में जुड़ना जहाँ से आपको अच्छे रिच मिल सकती है। जब इस फील्ड में आपको बादशाह बन जाओगे, आप जान जाओगे कि जो ये प्रॉब्लम आती हैं, ये गाड़ी में मिस्टेक आती हैं तो इतना पैसा कम होता है, इंजन का ये काम है तो इतना पैसा कम होता है, और पार्टी कितने में सेल कर रही है, कितनी पुरानी है गाड़ी, कितना क्या है, तो ये सब चीज़ें आप एवरेज करके पार्टी से बात कर सकते हैं। इसके साथ में उसको महीने भर का टाइम दे सकते हैं, आगे वाली जो भी पार्टी बेच रही है तो उसको जो भी फाइनल होता है, उसके बाद में आप जो ऐसे जो कस्टमर को ढूंढ सकते हो जो लेना चाहता है, उसको देने के बाद आप अपना जो भी पैसा है उनको दे सकते हो और जो भी आपका कमीशन है वो आप ले सकते हैं। ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रन करेगा और बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। इस बिजनेस में भी आपको 1,00,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, जो भी पैसा है उसी से आप स्टार्टअप कर सकते हो, चाहे वो आपका 1,00,000 हो, 2,00,000 हो, 10,00,000 हो, जो भी आपका पैसा है उसी से स्टार्टअप कर सकते हैं। यदि आपके पास में वो बजट भी नहीं है तो आप नॉर्मली किसी भी जो ऐसे जो सेकंड हैंड में जो सेलिंग वाले के साथ में जुड़ो, जो कारें बेच रहा है, प्रॉपर्टी सेलिंग करवा है, या कुछ भी कम बजट है आपके पास में, कम पैसा है और बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो आप ऐसे जो उनके साथ जुड़े रहो, कम भी ऑर्डर दोगे आप और हेल्प भी करोगे तब भी आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलने लग जाएगा। जब आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा तब अपने खुद के दम पे स्टार्टअप कर देना, और दिन दिन हमेशा इस चीज़ की जो मार्केट में डिमांड ही रहेगी, ऐसे घटने वाली नहीं है। हमेशा बहुत से लोग नई नई कारें खरीदते हैं, 6 महीने बाद सेल कर देते हैं, नए नए बाइकें खरीदते हैं, 6 महीने बाद सेल करते हैं, नई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोग और वो मकान बना के वापस सेल कर देते हैं, ऐसे भी चलते हैं। तो आप लोग अपने दिमाग के हिसाब से बिजनेस कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो इस बिजनेस के माध्यम से। इन दोनों बिजनेस में पोटेंशियल इतनी है दोस्तों कि आप चाहो तो 6 महीने में करोड़पति बन सकते हो, 6 महीने में 1,00,000 बन सकते हो। ये आपके ऊपर डिमांड है, आप कितने जल्दी इसमें पकड़ कर सकते हो। बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छी इनकम है इन बिजनेस दोनों बिजनेस में। करने के लिए 1,00,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो आपका पैसा है उसी से स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।